देखो जैसे हमसे कहा गया इसको सॉल्व करिए, सॉल्व का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर कई सारे टर्म हमको दिए गए, देखो जैसे एक टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, ये टर्म है। देखो अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो अगर इसमें हम ए निकालें, ए तो ए है 1, बी है माइनस 1, सी है 4। देखो अगर हम इसमें डी निकालें, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का 1 माइनस 4ac 16, तो क्या हो गया माइनस 15, मतलब निगेटिव। यानी देखो इसमें ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, ध्यान दो इसमें ए पॉजिटिव है और देखो डी निगेटिव है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, ये बात हमको मालूम है। अगर किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, और अगर कोई टर्म ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मॉडुलस उसी के बराबर हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लो कोई टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म का मॉडुलस हमेशा उसी के इक्वल होता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो यहां पर मॉड लगा हुआ है इस मॉड को हटा करके हम उसकी सिर्फ ये वैल्यू लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर और माइनस टू, देखो बाहर वाला एक मॉड रहेगा माइनस थ्री, फिर पूरे का मॉड रहेगा इक्वल टू क्या है बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, ध्यान दो है ना। तो एक्चुअली ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो जब हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मॉड हमेशा इसी के बराबर ही रहेगा, ध्यान दो। अच्छा अब देखो क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो ये जो टर्म आएगा सिंप्लीफाई करके मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल मॉड माइनस थ्री का होल मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, ऐसा होगा। अब देखो यहां पर फिर क्वाड्रेटिक के अंदर देखो क्या दिया है, देखो ये क्वाड्रेटिक दिया है, क्या है बोलो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, देखो ये टर्म हमको यहां पर दिया गया, फिर से एक बार ध्यान दो। अब देखो इस टर्म को फिर से अगर हम देखें तो इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 1 है और सी की देखो वैल्यू क्या है बोलो 2। तो इसका मतलब देखो इसमें भी अगर हम डी निकालें डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है डी निगेटिव, इसका मतलब ये भी क्या हो गया बोलो पॉजिटिव हो गया। तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई बोलो पॉजिटिव हो गई, इसलिए इसका भी मॉडुलस इसी के बराबर हो जाएगा, इसका भी मॉडुलस इसी के बराबर ही हो जाएगा। तो यहां से हम मॉड को हटा सकते हैं, यहां से मॉड को हटा दिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू और देखो ये माइनस थ्री है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू और ये है माइनस थ्री का होल मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व है ना। तो देखो ये एक पॉजिटिव टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए इसका मॉड इसी के बराबर लिख दिया। अच्छा अब देखो क्या हुआ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन का होल मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, ध्यान दो। तो अब देखो कुल मिला के मेरे पास ये टर्म आया है ना, अब मेरे पास ये टर्म देखो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब देखो इसमें अगर हम फिर से इसको चेक करें ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना और माइनस वन अपने पास देखो आया यहाँ पर, ठीक। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि अब हम इसको देखें कि आखिर ये कैसी वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है या नहीं है, है ना। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका ही मॉड हट जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट आखिर क्या आता है। इसको जरा लिखो बच्चे यहां तक पहले ध्यान से,